हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरदीप सिंह। एक्चुअली मैंने अभी भी नया चैनल स्टार्ट किया है। मेरे चैनल का नाम है खोजी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड नेचर। जैसे कि आप नाम से जानते हैं चैनल से कि खोजी, खोजी मीन्स एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करने वाला। एक्चुअली मैं बता दूंगा पहले ही आपको कि मैं पेशे से मार्केटिंग मैनेजर हूँ कंपनीज के अंदर, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। और जितनी भी स्टेट्स में गया हूँ, कंपनीज के अंदर में गया हूँ, अलग वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो नेचर है, वो वहाँ की जो रहस्यमय प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करने की। मैं दोबारा से उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। अकेले नहीं, आप मेरे साथ रहेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, आपको मज़ा आए इसके साथ देखने के लिए। मेरे को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है, बचपन से ही कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक है। वो भी कहानी ऐसी जो हिस्टोरिकल हो, रहस्यमय से भरी हो। ये दुनिया वाकई में रहस्यमय से भरी है। जितनी भी मैंने अपने लाइफ के अंदर नोट करी है, देखी है, एक्सप्लोर करी है, वो वाकई में रहस्य से भरी है और बहुत ब्यूटीफुल है। मैं गया हूँ, इंदौर गया हूँ, भोपाल गया हूँ, मुंबई गया हूँ, पुणे गया हूँ, कैलकटा गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ, मैं वहाँ पे से पंजाब गया हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं कश्मीर होके आया हूँ। मैंने देखा कश्मीर वाकई में इंडिया के अंदर स्वर्ग है, ये धरती के अंदर स्वर्ग है। जैसे लोग मानते हैं स्विट्जरलैंड, क्यों जाएं लोग स्विट्जरलैंड, जो हमारे देश के अंदर एक स्विट्जरलैंड बैठा हो। और स्विट्जरलैंड से भी बहुत खूबसूरत है वो। लास्ट मंथ में होके आया हूँ यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है और वहाँ के लोगों का जो स्वभाव है वो भी बहुत अच्छा है। जो हमने बुक्स में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, ये रियल लाइफ में भी है, ये रियल लाइफ के अंदर। लेकिन कई बार हमें बिलीव नहीं होता है। बहुत जगह घूमी होती है हमने, लेकिन उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ना ही मेरे को इंफॉर्मेशन थी। ब्यूटीफुल है ये हमारी दुनिया। टाइम नहीं है किसी के पास जाने का, लेकिन अगर उनको घर के अंदर ही बैठे बैठे एक रियल लाइफ में ही, जैसे वो लोग घूमते हैं रियल लाइफ के अंदर, उनको ऐसा फील कराएं कि जैसे कि वो खुद घूम रहे हों उस एरिया के अंदर। बहुत देखने लायक है दुनिया और बहुत देखने लायक है हमारा इंडिया। इंडिया बहुत देखने लायक है। वहाँ की जो दीवारें हैं ना, दीवारें भी बहुत कुछ बोलती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोचा था। सर दीवारें तो हैं, एक किले हैं और कुछ नहीं है, कब्रें हैं कुछ नहीं है, एक मंदिर है जो हम रोज जाते हैं, और रोज गुरुद्वारे हैं, चर्च है, नॉर्मल लोग जाते हैं। लेकिन इनके पीछे जो बड़े बड़े मंदिर है, वो जो पुरानी पुरानी हमारी इमारतें हैं, पुराने जो हमारे मंदिर हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है जो प्राचीन लेवल पर भरे हुए। और अकेले कश्मीर नहीं, हमारा देश के अंदर एक एक स्टेट बहुत खूबसूरत है। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी बोली, सब कुछ डिफरेंट है। और उनके बारे में जानने की हमारे को कोशिश करनी चाहिए, हमारे को देखना चाहिए इसमें क्या है क्या नहीं है। एक दीवार की अगर दीवार बनाई गई है एक किले की, तो उसकी दीवार की भी एक हिस्ट्री है। अगर मंदिर के अंदर एक मूर्ति रखी गई, तो मूर्ति कितनी पुरानी है उसकी भी हिस्ट्री है। हमारे जानने का हमारे को हक है, लेकिन क्या करें, लाइफ हमारे को एक्सप्लोर करने की, किसी एरिया को जानने के लिए टाइम नहीं दे पाती है। या कुछ ऐसी उलझने आ जाती है हमारी लाइफ के अंदर कि हम टाइम नहीं दे पाते किसी चीज़ को। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं खुद ही आपको घर बैठे बैठे घुमाऊं, दिखाऊं वो जगह और फील कराऊं कि ये रियल में है, कि आप खुद घूम रहे हैं,
कोशिश करूंगा इस तरह से बताने के कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए और वहां पे जाने के लिए आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज का यूज करना है, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। किस किस एरिया के अंदर है वो डिस्क्रिप्शन में लिखने की कोशिश करूंगा। आपको एक सीरीज भी बना के दूंगा क्योंकि मेरे को लाइफ में सीरीज बड़ी पसंद है। मैं आज दिल्ली के अंदर हूँ, कल आगरा के अंदर हूँ, उसके बाद मैं कहीं क्या नाम है इसके मुंबई के अंदर हूँ, और फिर पता लगा मैं उत्तराखंड के अंदर हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसा आऊँगा कि अगर मैं दिल्ली एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो दिल्ली की अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है, वाकई में आप लोग सोचते हैं हम दिल्ली तो बहुत मॉडर्न है, इसके हम दिखाने लगे तो कुछ भी नहीं है। एक इंडिया गेट है, लाल किला है और दो चार चीज़ें और हैं, वही दिखा सकते हैं लोग, लेकिन नहीं, दिल्ली भरी पड़ी है। ऐसे नहीं कहते हैं दिल्ली को कैपिटल, दिल्ली इन चीज़ों से भरी पड़ी है, जो हमारे हिस्टोरिकल इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। अगर दिल्ली को एक्सप्लोर करें ना ढंग से तरीके से तो 1 मंथ चाहिए, और हमारे पास टाइम क्या है, सिर्फ 1 दिन 2 दिन, उससे ज़्यादा हम दिल्ली के बारे में आज तक गए नहीं है और ना ही हमने कोशिश करी है। लोग सारी बिल्डिंग्स हैं दिल्ली के अंदर, और कई सारे इसके अंदर किले हैं, और कई सारी ऐसी ब्यूटीफुल जगह हैं, कई सारे ऐसे पार्क है, म्यूजियम है, जो कि देखने लायक है। वो शायद आप लोगों ने नहीं देखूंगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बस इतना है कि मेरे साथ आप बने रहिएगा एंड तक, और वीडियोस पूरी देखिएगा। ऐसे नहीं रखा मैंने इस चैनल का नाम खोजी, खोजी मीन्स एक्सप्लोरर। मैं एक एक चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा आपके पास, कि जितना ज्यादा हो सके और जितने कम टाइम के अंदर आपके पास, आपको अच्छा भी लगेगा ये चैनल। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा वीडियोस को, जिससे कि दुनिया को पता लगे कि हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। मोमोज 40 के 10 है, पनीर 50 के 10 है। और स्प्रिंग रोल भैया? स्प्रिंग रोल 40 के 2 रोल है। तो भैया एक काम करो, तुम मुझे ना एक प्लेट मोमोज कर दो। कौन से वाले करने हैं, वेज करने हैं पनीर करने? मिक्स कर दो भैया। कितने के पड़ेंगे? 50 रुपए के। अच्छा, कितनी देर लग जाएगी भैया करने में? सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे। ठीक है तो भैया कर दो भैया जल्दी से। अच्छा भैया चाप साइज सोयाबीन की बनती है ना? अच्छा, प्योर सोयाबीन है कि साथ में मैदा है? कोई भी प्योर नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो मिक्स है। ठीक है भैया, मेरे को बना दो कुछ, आप जल्दी करिए थोड़ी सी, मुझे जाना भी है। आपकी चाप बनानी है? मोमोज बना दो, मिक्स कर दो मुझे मोमोज ना, फ्राई कर देना मोमोज को। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना भूल गया हूँ, मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। एक बात आपको बताई थी मैंने कि हम स्टेट पे सीरीज बनाएंगे या फिर आप किसी लोकेशन पे सीरीज बनाएंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर सीरीज बनाएंगे। सेकंड बात जो आती है, अगर हमारे को लगा कि ये बंदा बड़ा फेमस था या फिर ये इंसान बड़ा फेमस था, इस पर भी सीरीज बनानी चाहिए, इसके बारे में भी हमारे को लोगों को बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मुझे लगा तो मैं उस पर भी जरूर सीरीज बनाऊंगा। चाहे वो इंसान कोई महापुरुष हो या कोई स्वतंत्र सेनानी हो या फिर उसका किसी हमारे किसी इतिहास से या किसी भी इतिहास के साथ, किसी भी कंट्री के इतिहास के साथ उसका कोई लिंक रहा हो। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ ये कि अगर मुझे इंडिया से बाहर भी किसी कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो आप उसको भी एक्सप्लोर करूँगे। वहाँ भी मुझे कोई अच्छा ऐसा लगा कि भाई कोई प्लेस जो है एक्सप्लोर करने लायक है, तो मैं उसकी सीरीज भी बना के आपके सामने ला के रखूँगा। वो सीरीज जो है सारी टोटली एपिसोड पे डिपेंड होगी, कितने इसके एपिसोड्स होंगे, जितनी भी एपिसोड बनेंगे उसके लास्ट 10 से 12 एपिसोड्स बनेंगे, जिस भी जगह का मैं जाऊँगा उसकी सीरीज के और उस पर काम करेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत आपकी नॉलेज के लायक होगी,
और आपको एंटरटेनमेंट करेगी। चलो अगर आप मेरे साथ तैयार हो मेरे साथ दुनिया का एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए प्लेसेस देखने के लिए, ब्यूटीफुल एरियाज देखने के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो ज़रूर जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर वो बेल आइकन दबेगा तो जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंचा तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा उसको और शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि ये चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे, देखे लोग इसको। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा मेरा, और मुझे भी मज़ा आएगा कि काम करने के लिए, मुझे भी मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने के लिए। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खोजी चैनल को, खोजी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड नेचर। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ऑन रोड भी लूँगा किसी न किसी एरिया को एक्सप्लोर करते हुए। जल्द ही मेरी वीडियोस आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, और वो जो वीडियो होगी वो कुछ न कुछ आपको दे के जरूर जाएगी, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो मतलब इंटरमेंट तो करेगी आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।